वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन जो है ये दिया गया है यहाँ पर कि 5 × 6 का मतलब 8 है, 6 × 6 का मतलब 27 है, तो दोनों में जो लॉजिक यूज हुआ है सेम लॉजिक का यूज करते हुए 4 × 9 का मतलब क्या होगा। तो आप देखिए 5 + 6 हम इसको ऐड करते हैं, यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा है, 5 + 6 को जब ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 6 × 5 = 11। अब 11 के डिजिट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, और इसका जो स्क्वायर तो नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे, क्यूब करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, क्यूब करना होगा, तभी मेरा जो है आंसर आएगा। क्यूब कर दिए तो 2 पर क्यूब कितना हो गया, 8। अब इसका देखिए 6 + 6 हो गया कितना, 12। 1 + 2 पर होल क्यूब हो गया कितना, 3 पर होल क्यूब कितना हो गया, 27। उसी तरह 4 + 9 कितना हो गया, 13 हो गया, और 1 + 3 पर क्यूब हो जाएगा, 4 पर क्यूब कितना हो जाएगा, 64। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 64। ठीक है, यहां पर जो है क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या है, देखिए अब इन दोनों का हम ऐसे भी जा सकते हैं, यानी कि रो में और कॉलम भी जा सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर क्या है कि बीच वाले कॉलम में जो है मेरा बड़ा नंबर दिया गया है। ठीक है, बीच वाले कॉलम में और बड़ा नंबर दिया गया है, इधर भी लगभग वही है, इसलिए इसमें वो लॉजिक फॉलो नहीं होगा। जनरली क्या होता है कि जिधर अगर कॉलम में मेरा बड़ा नंबर है तब रो वाइज चलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आप ध्यान से अगर देखिएगा तो ये किसका है, 2 पर स्क्वायर है, ये किसका है, 4 पर स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 3 पर स्क्वायर है, ये भी कितना है, 3 पर स्क्वायर है, ये भी कितना है, 4 पर स्क्वायर है, ये कितना है, 2 पर स्क्वायर है, ये कितना है, 3 पर स्क्वायर है, ये 1 पर स्क्वायर है। तो क्या हो गया, यहां देखिए ये 2 हो गया, फिर 3 हो गया, बीच में 4 दे दिए, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, बीच में 3 दे दिए, फिर यहां 3 हो गया, 4 हो गया, बीच में क्या दे देंगे, 5 देंगे। ठीक है, यानी कि यहां से 1 इंक्रीज इधर बढ़ा और यहां से 1 इंक्रीज इसमें बढ़ गया। इसी तरह यहां से 1 बढ़ के यहां हो गया 2 पर स्क्वायर, और यहां से 1 बढ़ के यहां 3 पर स्क्वायर, इसी तरह यहां से 1 बढ़ के यहां 4 पर स्क्वायर, 4 से 1 यहां बढ़ के 5 पर स्क्वायर। तो 5 पर स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 25। तो 25 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर देखिए कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें 2 शब्द दिए गए शब्द युग्म में से 2 शब्दों के समान संबंधित है। मतलब ये जो मेरा कॉम्बिनेशन है, सेम कॉम्बिनेशन के बीच में ये जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, सेम रिलेशन हमको इसमें ढूंढना है। तो देखिए यहां पर क्या है, देखिए अगर यहां पर देखेंगे तो वर्ड का यूज करके कोई अगर हमको लेटर लिखना होता है तो उसमें क्या करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ड का यूज करके ही हम लेटर को लिखा जाता है। यानी कि ये जो लेटर है इसका वर्ड क्या है, पार्ट है, यानी कि पहला वाला जो है दूसरा वाला का पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर फादर और सन है। ठीक है, तो फादर सन ये वाला तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फादर सन अलग अलग चीज हो गया, पार्ट तो नहीं ना है कि फादर का यूज करके हम ऐसे कर रहे हैं सन बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा, फादर और सन अलग अलग होगा। ठीक है, लॉजिक है ये कि हम लेटर को लिखने में जो है वर्ड का यूज कर रहे हैं जो कि ये फादर सन में नहीं है। फिर यहां देखिए हाउस और बिल्डिंग, ये हाउस बोल रहा है, घर और बिल्डिंग अलग अलग चीज है, ये भी नहीं होगा। स्कूल और क्लास, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए स्कूल है और क्लास है, यहाँ पर स्कूल के अंदर क्लास होता है लेकिन यहाँ वर्ड तो खुद लेटर के अंदर है, तो ये भी मेरा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है
कि लेटर को लिखने में जो है वर्ड का यूज होता है, उसी तरह मेडिसिन को लिखने में किसका यूज होता है, डॉक्टर का यूज होता है। इसलिए सही मायने में जो इसका आंसर होगा ये क्या होगा, बी होगा। अब देखिए यहाँ पर सीपीओ 13/3/2019 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, जो इसमें सेम रिलेशन है, ये रिलेशन इसमें ढूंढना है। तो देखिए एक है, 8 है, ठीक है। अब एक किसका क्यूब है, 1/3 है, और 2 किसका क्यूब है, 2/3 क्या हो गया, 8 हो गया। सेम क्यूब वाला ढूंढना है, ये तो क्यूब वाला नहीं है, ये भी क्यूब वाला नहीं है, ये देखिए 2/3 और ये क्या है, 3/3 है, ये भी नहीं है क्यूब वाला, ये स्क्वायर वाला है। तो क्यूब वाला जो है रिलेशनशिप कौन सा है, ये है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है चार मेरे जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन डिफरेंट है, कौन अलग है, ये चुनना है। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो कितना है, 26 है, ठीक है। 26 को जस्ट रिवर्स करके लिख दिया गया है 62। यहां भी देखिए कितना है, 72 है। 72 को जो रिवर्स करके लिख दिया गया है 27। 89 है, और 89 को रिवर्स करके लिख दिया गया है 98, ठीक है। और फिर यहां पर क्या है, 19 है, इसका लिखना चाहिए 91, बट यहां पर कितना है, 94 है। तो गलत कौन सा होगा, यही वाला जो है डिफरेंट होगा। इसमें देखिए सेम रिलेशन है, क्या करना है कि चार ऑप्शन दिए गए हैं और एक डिफरेंट फाइंड आउट करना है। डी और डब्ल्यू में क्या रिलेशन है, देखिए डी और डब्ल्यू जो होता है आपस में क्या होता है, रिवर्स लेटर होता है। रिवर्स लेटर मतलब क्या हो गया, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। अब यहां से 26 लेटर है, 13 यहां तक लिखिए, उल्टा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। 13 ऊपर में, 13 नीचे में, तो रिवर्स हो गया। ए का कितना होता है, एक, ये 26, दो ये कितना हो गया, 25, तीन ये हो गया 24, चार 28, सेम ऐसे लिख देंगे सबका। 5 हो गया, 6 हो गया, सातवां पोजीशन पे है, आठवां पोजीशन, नौवां, दसवां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। तो ए का रिवर्स क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, यानी कि आगे साइड से जो है पीछे साइड से लेंगे तो जेड पहले स्थान पर है, ठीक है। तो अब देखिए हमेशा जो लेटर है उसका रिवर्स लेटर का जो पोजीशन है वो 27 ऐड करके आएगा। ए का 1 नंबर पे है, 26 कितना हो गया, 27, ये भी देखिए ऐड कीजिए 27, ये भी ऐड कीजिए 27। अगर ऐड करने पर दोनों का पोजीशन वैल्यू 27 आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिवर्स लेटर है, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, नहीं तो ये सीरीज को याद रखिएगा, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, तो भी होगा, लेकिन आसान तो हमको ही लग रहा है। जैसे है यहां पर क्या, डी और डब्ल्यू, डी का क्विक किया जाएगा 4 और 23 होता है, तो क्या हो जाएगा, 4 + 23 हो जाता है मेरा कितना, 27, यानी रिवर्स लेटर। ये देखिए 4 + 23 हो गया 27, यानी डी और डब्ल्यू रिवर्स लेटर है। यू का कितना हो गया, 21, और ई का कितना हो गया, 5, ये कितना हो गया, 26 हो गया। ये वाला एम का कितना हो गया, 13, और एन किस वैल्यू पे है, 14 वैल्यू पे है, तो एम और एन क्या हो गया, 27 हो गया। ये भी देखिए जी 7, और टी करना 20, तो हो गया 27। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि केवल बी जो है वो 26 आ रहा है, यानी कि बी जो है ये रिवर्स लेटर नहीं है। बाद बाकी सभी जो है जो कॉम्बिनेशन दिए गए ये रिवर्स लेटर के कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे के विपरीत। नेक्स्ट को देखते हैं कि विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है।
तो ये भी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 3 है 5 है 7 है 8 है 15 है क्वेश्चन मार्क 31 32। यहाँ देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है और सीरीज जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, कहीं कहीं पर डिक्रीज भी हो रहा है। यहाँ पहले कितना इंक्रीज हुआ 2, फिर यहाँ +2, फिर यहाँ देखिए +1, फिर यहाँ पर क्या है +7 इंक्रीज हो जाता है। तो ये कोई जो है लॉजिक यहाँ पर नहीं निकल रहा है, ठीक है। एक एक सही मायने से अगर आगे बढ़ता तो हम कोई लॉजिक निकाल सकते हैं। जब इस तरह का सीरीज आने लगे तो आप ये हो सकता है ज्यादा चांस कि मिक्स सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कहीं बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, एक ही गैप हो रहा है, एक ही टाइप का गैप हो रहा है, अचानक फिर बहुत बड़ा गैप आ जा रहा है, फिर छोटा गैप। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मिक्स सीरीज को हो सकता है कि मिक्स सीरीज का यूज हो, तो आप इसको एक अब छोड़ कर लिखिए। जैसे यहाँ पर देखिए 3 के बाद 7 लिखिए, 7 के बाद क्या लिखिए 15 लिखिए, 15 के बाद फिर एक छोड़ दीजिए 31, फिर 5 के बाद 8 लिखिए, 8 के बाद दिस वन, और दिस वन के बाद क्या हो गया दिस वन। अब यहाँ पर देखिए गैप कितना जाता है, ये गैप गया 4 का, ये गैप गया कितना 8 का, ये गैप गया कितना हो गया, ये गैप कितना 31 हो गया 16 का। तो यहाँ देख रहे हैं ये 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, यहाँ भी कितना हो गया 3 हो गया, 3 का गैप यहाँ पर छोड़िए और यहाँ पर छोड़िए। और सेम पैटर्न पे लिखा जाए 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, तो उसी तरह 3 का दुगुना 6 और 6 का दुगुना कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अगर ये पैटर्न सही होएगा मान लीजिए तो क्या 5 3 8, 8 6 8 + 6 कितना हो गया 14, ठीक है। अब अगर 14 में देखिए हम यहाँ 14 आ गया क्वेश्चन मार्क की जगह में, 14 में 12 ऐड करते हैं यहाँ पर कितना आ जाता है 26 आ जाता है। तो ये 26 आ गया, इसका मतलब ये जो 6 हम लोग किए हैं ये सेम रिलेशन ऊपर वाला ही, इसी तरह का रिलेशन नीचे भी दिए हैं, तो ये क्या है लॉजिक में सही बैठ गया। तो यहाँ कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गैप का मतलब दिया गया है कितना 12, तो ये तो वर्ड है, ये वर्ड है, वर्ड से हमको क्या बनाना है नंबर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसका जो अल्फाबेट है उसका पोजिशन को लेंगे, ठीक है। जो अल्फाबेट है उसका पोजिशन कितना, C 3 नंबर पे होता है, ए जो होता है 1 नंबर पे आता है, और बी कितना आता है 2 नंबर पे आता है। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको 12 लाना है, तो हम जनरली पहले इसको ऐड करते हैं 3 + 1 + 2, तो ये कितना हो गया 6 हो गया, 6 का दोगुना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, समझ आ गया। एफ ए डी 6 + 5 + 4 तो 15, और 15 को दोगुना किए तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो यही वाला 30 है। अब हाइट को देखते हैं तो हाइट कितना हो गया 8 हो गया, प्लस आई का हो गया 9, डी का हो गया 4 और हो गया 5, तो यह कितना हो गया 25 हो जाएगा, कितना हो गया 9 8 17 4 23 और 5 हो गया 28, 9 8 17 17 4 21 21 5 26, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए 26 होना चाहिए, 26 है तो 26 का दोगुना कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा 26। अब इसका क्या करेंगे, दोगुना कर दिए तो कितना हो गया 52 हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ कोड लैंग्वेज दिया गया, मशीन को लिखा गया है कैमिन, तो देख के लग रहा है कुछ सिमिलर होगा, तो यहाँ पर जैसे MACHINE किया गया है, अब इसमें क्या किया गया है CM, इसको जस्ट उल्टा करके इधर से लिख दिया गया है CAM और HINE को सेम एज इट इज रख दिया गया है HINE, ठीक है। फर्स्ट जो 3 लेटर है उसको उल्टा कर दिया गया, बाद बाकी को एज इट इज लिख दिया गया मॉन्स्टर। अब इसको जैसे NOMSTER, नॉमस्टर NOMSTER,
अच्छा यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया था, ठीक है? ओके, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया क्या गया है, एच ई एन आई है, ठीक है? एच ई एन आई है, एच ई एन आई है, सी एम एच ई एन आई है, एच है, ई है, एन आई है। तो उसी तरह यहाँ पर मॉन्स्टर, ये तो पहला उल्टा लिखेंगे, एन ओ एम हो गया। अब क्या हो गया, एस आर, एस के बाद आर लेंगे और एन आई लेंगे, यानी इसको भी रिवर्स लिखेंगे, ई और टी, ठीक है? एन ओम एस आर ई टी, तो पहला वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? यहां पर देखिए एच और ई को एक साथ लिखा गया है, एन आई को रिवर्स करके लिख दिया गया है। अब देखिए ये जो है, पांच वर्ड यहां पर दिए गए, इस सभी वर्ड को जो है इंग्लिश अल्फाबेट लेटर में जो है हमको, जो सीरीज होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, उसी सीरीज के अकॉर्डिंग जो है हमको सजाना है। तो इसमें कैसे हम करते हैं, इसमें देखिए पहले जो अगर इसको सजाना है तो पहला मेरा काम क्या होगा कि जितने भी कॉमन लेटर है सभी में वो उसको अलग कर देंगे, और सिलसिलेवार से, ऐसा नहीं कि एक यहाँ है तो वह है, जो सभी वर्ड में जो है एक सीरीज में जो लेटर कॉमन है उसको हटा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ई के बाद सी, ई के बाद एन, तो जस्ट चेंज हो गया, एक में भी अगर चेंज हो गया तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है? तो ई देखिए सब में, तो ई ई ई ई हटा दिए, ई हटा दिए, यहाँ पर क्या है सी हो गया, यहाँ पर क्या है नेक्स्ट लेटर एन हो गया, यहाँ पर एल हो गया, यहाँ पर एक्स हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से सी हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है कौन सा लेटर हो रहा है, पहले कौन होगा अल्फाबेट मतलब इंग्लिश डिक्शनरी में, तो सबसे पहले कौन सा आता है, सी आता है ना, तो सी सी वाला जो है दो है, ठीक है? सी सी वाला है दो है, उसके बाद तो हम सजा सकते हैं। देखिए फिर क्या हो गया, एन हो गया, एल हो गया, एक्स हो गया, ठीक है? तो पहले एल होता है, फिर एन होता है और फिर एक्स होता है, तो हम इतने पर भी जो है हम रिजल्ट आंसर मार सकते हैं, पूरा नहीं सजाना है, ठीक है? अगर ऐसा यहाँ ऑप्शन बन गया तो, क्योंकि एक्स कितने नंबर पे आ गया, देखिए एक्स जो है चौथा वाला था, फिर उसके बाद एन किसमें था, दूसरा वाला था, और ये किसमें था, एल, एल जो है तीसरे में था, ठीक है? अब देखिए चार दो तीन, चार दो तीन, तो इसमें और किसी तरह चार दो तीन है, नहीं है, तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहां पर क्या है, सीसी है, अब सीसी वाला जो कॉमन है तो इसमें अभी निकाल नहीं निकाल सकेंगे, अब बस देखिए सी भी सेकेंड वाला में यहां भी कॉमन है, तो अब क्या करेंगे कि हम जो है बाद बाकी सभी को जो है भूल जाएंगे, सिर्फ इन दोनों को याद करना है, क्योंकि इन्हीं दोनों को नहीं सजा है। तो देखिए सी सी भी कॉमन हो गया, अब सी सी तक हटा देंगे, ठीक है? ई तो हटा ही था, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, ओ हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, एल हो गया। देखिए ओ और एल में कौन कॉमन हो गया, पहले कौन होता है ओ और एल में, एल वाला पहले होता है, ओ होता है कितना, 15 नंबर, कितना 15 नंबर पे, तो एल पहले होगा, तो ये कौन सा एल हो गया, ये वाला हो गया पांच वाला, और ये वाला कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया ओ, इसमें पहला वाला होगा, यानी कि पहले एल होता है तो पहले पांच हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, और यहां तो ये सजा ही हुआ था, तीन दो चार, ठीक है? ये वाला होगा पांच एक तीन दो चार, ये जो है सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, और यहां पर क्या है स्टेटमेंट दिया गया है, क्या सभी कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप, तो कंप्यूटर को सी से डिनोट कीजिए, और सभी कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप है, तो सभी कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर
चले जाएगा। ठीक है, अब क्या है, सभी हार्ड डिस्क क्या है, पेन ड्राइव है, और नो पेन ड्राइव इज अ कीबोर्ड, नो कंप्यूटर इज हार्ड डिस्क। देखिए, नो कंप्यूटर इज हार्ड डिस्क, तो कंप्यूटर के साथ रिलेशन जो है हार्ड डिस्क का जो है नहीं है, कोई भी कंप्यूटर जो है हार्ड डिस्क के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर जो है नहीं जाएगा। यहाँ क्या रहा था, सेकंड में ऑल हार्ड डिस्क आर पेन ड्राइव, तो और हार्ड डिस्क आर जो है ये पेन ड्राइव हो जाएगा, और नो पेन ड्राइव इज कीबोर्ड, अब कोई भी पेन ड्राइव का जो है रिलेशन किससे, कीबोर्ड से नहीं होगा। और एक बात याद रखिए, अगर स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है तो उसका भी कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो उसका जो निष्कर्ष होगा या कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ बोल रहा है कि कंक्लूजन में सम पेन ड्राइव्स आर नॉट लैपटॉप्स, पेन ड्राइव और लैपटॉप के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो होना भी चाहिए, स्टेटमेंट में भी होना चाहिए, फिगर में देखिए पेन ड्राइव और लैपटॉप के बीच में नेगेटिव रिलेशन है क्या, तभी ना उसका कंक्लूजन नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, पेन ड्राइव और लैपटॉप, तो पेन ड्राइव यहाँ हो गया और लैपटॉप के बीच में यहाँ रिलेशन हो गया, सम पेन ड्राइव्स आर नॉट लैपटॉप। ठीक है, देखिए पेन ड्राइव यहाँ है और लैपटॉप कहाँ है, यहां पर है। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि यहां पर देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो हार्ड डिस्क है और ये जो कंप्यूटर है, ठीक है, ये जो हार्ड डिस्क है और कंप्यूटर है, ये क्या है, एक दूसरे में जाना आना जो है मना है, कोई रिलेशन दोनों के बीच में नहीं बन सकता है। हार्ड डिस्क जो है ना, तो यहाँ हार्ड डिस्क कंप्यूटर में जाएगा ना ही कंप्यूटर वाला जो है हार्ड डिस्क में आएगा। तो ये जो हार्ड डिस्क है जो कि पेन ड्राइव भी तो है, ये हार्ड डिस्क कहाँ है, पेन ड्राइव के अंदर है, तो ये पेन ड्राइव वाला भी जो है कंप्यूटर के पास नहीं जाएगा। जब कंप्यूटर के पास नहीं जाएगा यानी कि कंप्यूटर तो लैपटॉप के अंदर है, तो ये लैपटॉप के अंदर भी जो है नहीं जाएगा। ये कंप्यूटर जिससे विवाद नहीं है बाहर वाले लैपटॉप के साथ जा सकता है। ठीक है, यानी कि जिसमें हम 100% श्योर हैं उसका हम पॉसिबिलिटी अगर क्या होगा, नहीं होगा। अगर हम 100% श्योर नहीं है तब पॉसिबिलिटी क्या है, होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि सम पेन ड्राइव्स आर नॉट लैपटॉप, हम इसके लिए 100% जो है श्योर नहीं है कि क्या होगा, ये जाएगा कि नहीं जाएगा। और ऐसे भी जो है पेन ड्राइव इधर है, ठीक है, और लैपटॉप है इधर है। अगर पॉसिबिलिटी का केस होता तो सही हो जाता, क्योंकि ये परमानेंट है कि जो ये जो पेन ड्राइव है जो कि हार्ड डिस्क भी है, ये तो कंफर्म है कि इस वाले पार्ट में नहीं जाएगा जो कि लैपटॉप का भी पार्ट है, लेकिन इस वाले में कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि इसके अंदर जाएगा कि नहीं जो कि कंप्यूटर के बाहर में है। ठीक है, इसलिए हम 100% जो इसमें श्योर नहीं हो सकते, और इसमें जो है पॉसिबिलिटी का केस नहीं दिया गया है। अगर पॉसिबिलिटी का केस होता तो सही हो जाता, लेकिन यह 100% वाला केस है, 100% कह रहा है कि सम पेन ड्राइव्स आर नॉट लैपटॉप्स, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नो कीबोर्ड इज अ कंप्यूटर, कोई भी कीबोर्ड क्या है, कंप्यूटर नहीं है। तो देखिए कीबोर्ड यहाँ है और कंप्यूटर यहाँ है, तो 100% ये बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा, कोई दोनों में रिलेशन नहीं बन रहा है। इधर कीबोर्ड इधर दिया गया है, कंप्यूटर क्या दिया है, इधर दिया गया है। नो हार्ड डिस्क इज अ लैपटॉप, अब हार्ड डिस्क क्या है और यहाँ पर क्या है, लैपटॉप है। नो हार्ड डिस्क इज कंप्यूटर, तो नो कंप्यूटर इज हार्ड डिस्क, बट वी कैनॉट से कि नो हार्ड डिस्क इज अ लैपटॉप, क्योंकि हार्ड डिस्क और लैपटॉप में जो है दूरियां। ठीक है, हार्ड डिस्क कंप्यूटर नहीं होगा, ये सही बात है। ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कोई भी हार्ड डिस्क जो होगा वो लैपटॉप नहीं होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा कि ये जो लैपटॉप जो कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर ही है, जो
कंप्यूटर जो लैपटॉप कंप्यूटर है उसके अंदर तो हार्ड डिस्क कभी नहीं आएगा, लेकिन ये साइड साइड वाले एरिया में तो आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो इसके इसी तरह इसके लिए भी 100% श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी का केस होता तो सही हो जाता। ऑल पेन ड्राइव्स आर नॉट कीबोर्ड्स, देखिए कीबोर्ड यहाँ है, पेन ड्राइव यहाँ है, तो ऑल पेन ड्राइव्स आर नॉट कीबोर्ड, ये बिल्कुल सही होगा कि कोई भी जो है ऑल पेन ड्राइव्स आर नॉट कीबोर्ड, बिल्कुल सही, कोई भी पेन ड्राइव जो होगा कीबोर्ड तो नहीं होगा ना, किसी में नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ये डायरेक्ट इसी को लिखा गया है कि नो पेन ड्राइव इज अ कीबोर्ड, इसका मतलब है कि ऑल पेन ड्राइव्स आर नॉट कीबोर्ड, एक ही मीनिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा चार जो है सही होगा, ओनली फोर फॉलोस। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रीजनिंग के, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे ही होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।